हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हर एक मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। हर एक विश्वासी जो ये मानता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, ऐसे हर व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपने ठीक सुना है। हो सकता है आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो तो स्वर्ग चला जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि मार्ग सत्य जीवन केवल यीशु मसीह है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, अपने पापों से मन फिराएगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। देखिए, बाइबल बिल्कुल करेक्ट है, बाइबल के वचन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। कमी कहाँ है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो आपसे कहा कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये भी सत्य है। क्योंकि याद रखिए, जो यीशु मसीह ने यह कहा था कि मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूं, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उसी यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि बहुत सारे झूठे लोग भी होंगे जो सिर्फ भेष धरेंगे, मसीह होने का ढोंग करेंगे और अपने आप को एक मसीह दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो यीशु मसीह के नाम से आते तो हैं लेकिन यीशु मसीह के काम को नहीं करते, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते, वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। याद रखिए, बाइबल साफ रीति से हमें यह बताती है। क्यों लोग आज नाश की ओर बढ़ रहे हैं जानते हैं? आज शैतान का काम आसान कौन कर रहा है? आज शैतान का काम आसान हम जैसे मनुष्य लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो शैतान का काम को आसान कर रहे हैं। कैसे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को जाना है, उन्होंने सुना है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन कभी यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा वो चलाए नहीं जाते। वो अपनी ही इच्छा के अनुसार बाइबल को तोड़ मरोड़ कर चलते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और ऐसे ही मनुष्य के द्वारा लोग भरमाए जा रहे हैं। आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो कि चिन्ह दिखाकर, चमत्कार दिखाकर, मिरेकल मनी दिखाकर और इधर उधर की बातों को दिखाकर, चंगाई छुटकारा दिखाकर लोगों को बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं। देखिए मेरे प्रिय, एक बात याद रखिए, ये अंत का समय है। यीशु मसीह के आगमन का जो समय है बहुत निकट है, और इस समय बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि लोग भरमाने वाली आत्माओं से ग्रसित हो जाएंगे। जी हाँ, बाइबल साफ रीति से कहती है कि अंत के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो खुद को मसीह कहेंगे, अपने आप को मसीह बोलेंगे। यीशु मसीह ने कहा था, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। आज बहुत सारे यीशु मसीह के नाम से आते हैं, चिन्हों चमत्कार करके दिखा रहे हैं, भविष्यवाणियां करके दिखा रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन यदि आप बाइबल को समझते हैं, उसके वचन को जानते हैं, उसके वचन की गहराई को जानते हैं, तभी आप ऐसे झूठे लोगों से बच पाएंगे। और ये झूठे लोगों का हमेशा ये सोचिए कि आप ये जो झूठे लोग करते हैं, क्या ऐसा करके ये स्वर्ग जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। इन्हीं के बारे में बाइबल बताती है कि हर एक विश्वासी जो है ना, विश्वास करने वाला यीशु मसीह पर, सब स्वर्ग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ग केवल वही जाएगा जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है और यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी में है, और हर बार परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता, हर दिन बाइबल के अकॉर्डिंग जो जीवन जीता है, बाइबल के आज्ञाओं के अनुसार जो चलता है, वही व्यक्ति यीशु के संग स्वर्ग जाएगा। हर एक व्यक्ति यीशु के संग स्वर्ग नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जो भी चर्च जाते, जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए चर्च जाने के साथ साथ, बाइबल पढ़ने के साथ साथ, प्रार्थना करने के साथ साथ, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु को ग्रहण करने के बाद खुद का जीवन भी पवित्रता का जीना बहुत जरूरी है, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। देखिए, बहुत सारे झूठे लोग आएंगे और आज के समय में भर गए हैं। आप जहां देखें वहां चिन्ह चमत्कार आशीषों के सिवा यीशु मसीह के पवित्रता का जीवन जीने के बारे में बहुत कम लोग शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में बाइबल बताती है, अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 21 आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह कह रहे हैं ना यहां पर कि हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाने वाला है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, हर कोई पिता के राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
जो हे प्रभु कहता है, जो बहुत सारे लोग अपने जीवन को पवित्रता में नहीं चलाते हैं लेकिन हर बात में हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड ये सब कुछ बोल रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते, वीडियोस में कुछ भी हो उसको समझे बिना आमेन लिख देते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हालेलुया लिख देते हैं, कुछ भी गलत होता उसमें भी आमेन हालेलुया सब लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेडिशनल तरीके से लोग चलने, आज बहुत सारे लोग इंटरनेट पे यही तो कर रहे हैं, किसी का भी वीडियो उठा के देख लो वो कभी भी वीडियो को परखेंगे नहीं कि उस वीडियो बनाने वाले ने क्या उसमें बोला है, बस उसके नीचे आमेन और हालेलुया को भर देंगे लिख लिख कर। मेरे प्रिय याद रखिए, आपके ऐसे लिखने से ना ही आप स्वर्ग जाने वाले हैं और ना लिखने से आप नरक जाने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जब भी कभी भी कमेंट भी करते हैं किसी वीडियो के नीचे, पहले वीडियो को देख लीजिए कि उसमें आपने जो कमेंट किया आमेन अगर लिखा है, अगर उसमें कोई गलत प्रार्थना हो रही होगी तो आप उसके सहभागी हो जाएंगे, अगर कोई गलत शिक्षा उस वीडियो में होगी आप उसके सहभागी हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से अपने जीवन को परखिए चलाइए, और साथ ही साथ हर बार हे प्रभु कहने वाला कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन वही जो पिता के स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में जाएगा। क्या आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं? आज मैं देखता हूं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आकर बोलते हैं कि आपने टाइटल में यह लिख दिया है, थंबनेल में यह लिख दिया है, लेकिन कभी भी उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैंने उसमें जो लिखा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, उस क्वेश्चन मार्क का मतलब तक लोगों को नहीं पता होता, बस कहता है आपने ऐसा क्यों लिखा है। मेरे प्रियो, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि सवाल किया जाना, तो मैंने वहां पर आपको डिसीजन नहीं दिया बट मैंने आप लोगों से सवाल किया क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग समझेंगे ही नहीं, उसके बाद लिख देंगे कि आप थंबनेल गलत बनाते हो, आप टाइटल गलत लिखते हो। अरे आप समझ ही नहीं पाते हो क्योंकि आप परखते नहीं हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपको कुछ नहीं समझ में आता, जो दिख रहा है उसी पर विश्वास कर लेते हैं। चाहे मैं बना रहा हूं वीडियो, चाहे कोई और बना रहा हो, उसे बाइबल से परखना आपका और मेरा काम है। यदि परमेश्वर की आत्मा ने हमें यह बाइबल दिया है, यदि हर एक के हाथ में बाइबल है तो घर में फ्रिज में सजाने के लिए नहीं दिया गया है, वो टीवी के ऊपर रखने के लिए नहीं दिया गया है, वो संडे के दिन धूल झाड़कर चर्च में ले जाने के लिए नहीं दिया गया है, उसको पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीने के लिए दिया गया है। आप कैसे दूसरों को परखेंगे जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे? वो अगर नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही भरमाने वाले आएंगे और आपको भरमा कर चले जाएंगे। यदि मैं भी कोई गलत शिक्षा दे रहा हूं, अगर आप मुझे भी नहीं परखेंगे तो आप धोखे में होंगे, आप नाश हो जाएंगे। मुझे भी परखिए बाइबल के अनुसार, मेरे वीडियोस को भी परखिए बाइबल के अनुसार, अगर बाइबल के अनुसार करेक्ट है तो ही उसको फॉलो कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, क्योंकि किसी के कहने पर नहीं चलना है, प्रभु यीशु के कहने पर चलना है। हर एक व्यक्ति जो यीशु को हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, आगे मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसमें कहते हैं 22 आयत में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्यक्रम नहीं किए। बहुत सारे लोग आएंगे और ये सब बोलेंगे। यीशु मसीह कहता है उनको, क्या कहता है यीशु मसीह? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए वही यीशु मसीह जिसके नाम से आज आप चिन्ह और चमत्कार करके अपना नाम कमा रहे हैं, जिसकी वजह से आज अपने आप को आप ऊंचा उठा रहे हैं, वही यीशु मसीह आपको पहचानने से इनकार करेगा और आपको उसमें से निकाल देगा अपने राज्य में से। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को समझे, बाइबल के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है इसको पहचानना आपके काम है। आप इसे अगर नहीं पहचान पाएंगे, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं परखेंगे तो याद रखिए अंत में आपको भी यीशु मसीह इनकार कर देंगे। इसलिए बहुत जरूरी हर एक व्यक्ति बाइबल के अनुसार अपने जीवन को परखे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है।